बताया था ऑप्शन जब आया था तब मैंने बताया था कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। छिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। ठीक, रेड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहां से मिले हैं। प्राचीन मूर्तियां यहां से मिली हैं। खोज इसकी करी थी दयाराम साहनी ने और केदारनाथ पुरी ने। ये आपको याद रख के चलना है। निवाई के समीप स्थित है टोंक में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। रेड से सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है एशिया का। ठीक है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। दयाराम साहनी वही हैं जिन्होंने किसकी खोज करी थी? बैराट सभ्यता की खोज करी थी। और बैराट सभ्यता की खुदाई करी थी नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। इनमें आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बार बार लिखना आप इनको। सभ्यता लिखना और सभ्यता का उत्खननकर्ता लिखना एक अलग पेज पे लिख लेना, क्योंकि अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग उत्खननकर्ता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर हम। दयाराम साहनी और केदारनाथ खुरी। ठीक है, रेड टोंक में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो ऑप्शन दे रखा है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने लोक देवता टॉपिक पढ़ाया था? तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान है, मल्लीनाथ जी का। ठीक है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी यहां पर बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का जो नाम है इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम क्या पड़ा? मालानी पड़ा। ये भी आपको याद रख के चलना है। नगरी की हमने बात करी ली, नगरी किसका वर्तमान नाम है? नगरी माध्यमिका का वर्तमान नाम है, माध्यमिका का। ठीक है, नगरी कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये आपको याद रख के चलना है। तो यहां पर ट्रेड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंगमेल, बरोर। ऑप्शन कट करो आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन कट करोगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा इसमें। देखो ऑप्शन कट करके देखते हैं। सुनारी कहां पर है? सुनारी कहां पर है? सुनारी झुंझुनू में है। आगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी आएगा इसका। सुनारी झुंझुनू में है। मोस्ट फेमस जो क्वेश्चन सुनारी से आता है ना, वो आता है कि लौह गलाने की भट्टियां मिली हैं यहां से। लौह गलाने की भट्टियां यहां से मिली हैं। रंग महल ये कहां पर है? हनुमानगढ़ साइड है रंग महल। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा ये सब हनुमानगढ़ में है। रेड हमारा कहां पर पड़ता है? रेड पड़ता है टोंक में, तो यहीं से इसको ही टाटा नगर कहते हैं। रेड में ही एशिया का सबसे बड़ा सिक्के का भंडार मिला है। तो हमारा ये हो जाएगा अपोलो डोट्स का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? रेड से। तो यदि हम रेड की बात करें तो रेड की उत्खनन बी एन मिश्र ने किया, केदारनाथ पुरी ने किया, दयाराम साहनी ने किया रेड का उत्खनन। ठीक है, 3075 आहत मुद्रा यहां से मिली हैं। इसके अलावा 300 मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, 14 मित्र सिक्के यहां से मिले हैं, 6 सेनापति सिक्के यहां से मिले हैं, 7 पपू सिक्के और 1 अपोलो डॉट्स का सिक्का यहां से मिले हैं, 189 ताम्र सिक्के भी यहां से मिले हैं। यानी कि बहुत सारे सिक्के यहां से मिले हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है रेड सभ्यता से, इसलिए इसे टाटा नगर कहते हैं राजस्थान का। ठीक, यहां पर यवन सिक्कों में यूनानी शासक और अपोलो डोट्स का एक खंडित सिक्का भी मिला है। तो अपोलो डोट्स का सिक्का क्या मिला है? रेड में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।